दोस्तों 12 जुलाई 2022, ये दिन साइंस के इतिहास में एक काफ़ी अहम दिन साबित होने वाला है। वैज्ञानिकों के हिसाब से 12 जुलाई को हम इस ब्रह्मांड को उस नज़रों से देखेंगे जिस नज़रों से हमने इस ब्रह्मांड को पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों जिसको भी 12 जुलाई को क्या होने वाला है उसके ऊपर कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं ये बता दूँ 12 जुलाई को अब तक बनाया गया सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रिलीज करने वाला है अपना कैप्चर किया गया सबसे पहला कलर्ड इमेज। दोस्तों आप सबको पता ही होगा JWST को टाइम मशीन भी कहा जाता है। इसकी लेंसेज अब तक की बनाई गई सारे स्पेस टेलीस्कोपों से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो सोचिए इसकी रिलीज की गई सबसे पहली कलर्ड इमेज कितने सारे राजों में से पर्दा उठाने वाली है। पर अब बात आती है कि 12 जुलाई को नासा इस यूनिवर्स की किस हिस्से की इमेज को रिलीज करने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं कि नासा ने इसके ऊपर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। नासा ने इस विषय को बिल्कुल ही सीक्रेट रखा है, पर उनका ये कहना है कि ये इमेज होने वाली है द डीपेस्ट इमेज ऑफ आर यूनिवर्स। अब इसका मतलब क्या है वो तो समय ही बताने वाला है। दोस्तों 12 जुलाई के रात को तकरीबन 8 बजे नासा ऑफिशियली इन इमेज को रिलीज करने वाला है। खबरों के हिसाब से नासा कई सारे इमेजेस को सीक्वेंस हिसाब से शायद रिलीज कर सकता है, पर यह बात कितनी सच्ची है उसके ऊपर कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो दोस्तों आखिर कैसा दिखने वाला है द डीपेस्ट इमेज ऑफ आर यूनिवर्स, इसके लिए तो हमें 12 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनसीन इजाजत लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।